राजस्थान खासकर हाड़ौती क्षेत्र में इस बार भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात बन गए। कोटा और बूंदी जिलों में कई गांव जलमग्न हो गए और फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। प्राकृतिक आपदा की इस मुश्किल घड़ी में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने संसदीय क्षेत्र कोटा के बाढ़ग्रस्त कैथून कस्बे का दौरा किया। लोकसभा अध्यक्ष ने बाढ़ प्रभावित कैथून के स्थानीय निवासियों से बातचीत कर उनका हाल जाना। वो कस्बे में जाकर स्थानीय लोगों से मिलना चाहते थे, लेकिन नदी में उफान और भारी जलभराव के चलते ये संभव न हो पाया। उन्होंने नदी के पास बाढ़ प्रभावित कॉलोनियों का जायजा लिया, जहां मकान पानी में डूबे हुए थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने एक स्थानीय शोरूम की छत पर चढ़कर बाढ़ का जायजा लिया। जलमग्न घरों को देखने के बाद उन्होंने जिला प्रशासन को जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने बाढ़ पीड़ित लोगों के भोजन और पानी की भी व्यवस्था की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, लाडपुरा विधायक कल्पना देवी, जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के साथ ट्रैक्टर में सवार होकर जल भराव वाले स्थानों में भी पहुंचे तथा प्रभावित क्षेत्रों में पानी निकासी एवं राहत कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने आम लोगों से रूबरू होकर पानी निकासी के लिए किए गए उपायों के बारे में बताया। उन्होंने स्थानीय लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाकर प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों में सहयोग करने की अपील भी की। अधिकारियों को निर्देश दिए कि क्षेत्र में पानी की निकासी के उपाय के साथ विद्युत आपूर्ति एवं पेयजल सप्लाई शीघ्र सुचारू की जाए। साथ ही जिले के प्रशासनिक अधिकारियों को पानी भराव से आवासों की क्षति एवं जनधन के नुकसान का सर्वे करवाकर आपदा नियमों के तहत जल्द से जल्द राहत राशि प्रदान करने को भी कहा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अतिवृष्टि से प्रभावित कोटा जिले के कई गांवों का दौरा किया। लोकसभा अध्यक्ष कनवास उपखंड के देवली मांझी और बालूहेड़ा गांव पहुंचे और ग्रामीणों से रूबरू होकर अतिवर्षा से हुए नुकसान की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि पानी भराव से गांव के आवासीय क्षेत्रों में जन धन के नुकसान का आपदा राहत नियमों के तहत शीघ्र मुआवजा मिलेगा।